मैं हूँ शिमला में बसी साल 1857 में बनी क्राइस्ट चर्च की इमारत। इन दिनों क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न को लेकर यहाँ तैयारियां जोरों पर हैं। तैयारियों के बीच यहाँ करीब 150 साल पहले इंग्लैंड से लाई गई इस बेल की मेंटेनेंस का काम भी किया जा रहा है। ये जो बेल आप देख रहे हैं ना, ये कोई साधारण बेल नहीं है, बल्कि बेल मेटल से बने 6 बड़े पाइप के हिस्से हैं। इन पाइप पर A, B, C, D, E और F तक के सुर हैं, जो संगीत के स रे ग म प ध की तरह ध्वनि करते हैं। इन पाइप पर हैमर यानी हथौड़े से आवाज होती है, जिसे रस्सी खींच कर बजाया जाता है। ये रस्सी मशीन से नहीं बल्कि हाथ से खींच कर बजाई जाती है। ये बेल हर रविवार सुबह 11 बजे होने वाली प्रेयर से 5 मिनट पहले बजाई जाती है। इसके अलावा क्रिसमस और न्यू ईयर के मौके पर रात 12 बजे इस बेल को बजाकर जश्न मनाया जाता है। एंड यू नो व्हाट, साल 1982 में ये बेल खराब हो गई थी। तो हुआ ये कि क्राइस्ट चर्च यानी मुझे जब बनाया गया, उसके करीब 25 साल बाद इंग्लैंड से बेल को शिमला लाया गया। 100 साल का वक्त बीत जाने के बाद 1982 में ये बेल खराब हो गई। चूंकि ये बेल इंग्लैंड से लाई गई थी, तो इसके जो पुर्जे थे वो भारत में मिल ही नहीं पा रहे थे। पुर्जे और कारीगर ना मिलने की वजह से ये बेल 2019 तक बंद पड़ी रही। अपने बचपन से ही हर रविवार को प्रेयर करने के लिए चर्च आते थे डीन विक्टर। इन्होंने 2017 में बेल को ठीक करने का जिम्मा संभाला, चंडीगढ़ और दिल्ली से अलग अलग पुर्जे जुटाए और साथ ही शिमला के एक कारीगर की मदद ली। 2 साल की कड़ी मेहनत और भाग दौड़ के बाद डीन विक्टर ने 21 नवंबर 2019 को इस बेल को ठीक कर दिया। जब मेंटेनेंस नहीं होते तो ये कुछ ना कुछ पार्ट टूटते रहते हैं और मिसप्लेस होते हैं। अब इतनी बड़ी बिल्डिंग में कोई पार्ट के टूट के गिर जाए नीचे तो मिसप्लेस हो जाएगा। बहुत सारे पार्ट्स के मिसप्लेस थे और जो निचले जो इसका मेन फ्रेम है जहाँ ये वर्किंग है, जो इसे रोप चलती यहाँ पे, वो तो डिसमेंटल्ड ही था, वो तो था ही नहीं वहाँ। तो फिर जब हमको पाई जरूर मिला कि आप ये फिर करेंगे तो हमने हाँ करेंगे, क्योंकि मैं हम लोग यहाँ पे बचपन से आते थे ना, तो मेरे को इसका तो वैसे आइडिया था कि क्या था ये, और कुछ तो मैंने इसको कुछ नेट पर से सर्च किया मैंने इसको, तो ये फिर इसको फिर रीइंस्टॉल किया, मैंने इसको रेनोवेट किया। 2019 से ये बेल सही तरह से काम कर रही है। हालांकि पुरानी होने की वजह से वक्त वक्त पर इसकी मेंटेनेंस करना जरूरी हो जाता है। 2020 और 21 में तो कोविड की वजह से ये बेल बजवाई ही नहीं जाती थी। इसकी थोड़ी मेंटेनेंस होने वाली थी, रिपेयर थी, आज हमने इसकी रिपेयर की है तो अब उसकी साउंड थोड़ा और खुल गई है, फर्क पड़ा है। तो अब हर संडे जो है ये बेल बजती रहेगी और साथ में अभी आने वाले क्रिसमस प्रोग्राम न्यू ईयर में भी इसे विशेष बजाया जाएगा। अब 2022 में क्रिसमस और न्यू ईयर के जश्न के लिए ये बेल मेंटेनेंस के बाद एक बार फिर पूरी तरह से तैयार है। ये बेल शिमला पहुंचने वाले टूरिस्ट के लिए एक नया एक्सपीरियंस और शिमला के बाशिंदों के लिए अपनी पुरानी यादें ताज़ा करने वाली होगी।